बनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाडा उद्योग लिमिटेड आगरा श्रीमान नंदकिशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया प्रमोद नीना जैन सुनील निशा जैन पुत्र पुत्र वधु अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधु अक्षत जैन पौत्र आदविक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार फर्म ए आर एल इंफ्राटेक लिमिटेड अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर श्रीमती पुष्पा देवी मुशरफ धर्मोपत्नी स्वर्गीय श्री भागचंद जी मुशरफ पुत्र एवं पुत्र वधु श्री अनु श्रीमती अमिता मुशरफ पौत्र एवं पौत्रवधु श्री अंकेश श्रीमती इति जैन पौत्री पयांशी जैन प्रपोत्र अव्यान जैन एवं समस्त मुशरफ परिवार देवनगर जयपुर राजस्थान स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी के पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन जी पुत्र एवं पुत्र श्री निखिल जैन जी श्रीमती शालिनी जैन जी पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन शरण्या जैन जय जै जिनेन्द्र ूण वढमाणं परेमपाणं जिणं तिशुद्धेण वोच्छामिरयण सारं सारिणयार्धं मीणं पञ्च परमिष्ठि की जय द्वादशांग जिनवाणी माता की जय आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय द्वीपस्थ समस्त महा मुनिराजों की जय आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महाराज हमें इस ग्रंथ के माध्यम से समझा रहे हैं कि हमें आत्म तत्व की भावना करनी चाहिए यदि कोई साधु हो अथवा कोई गृहस्थ हो यदि वो आत्मा को नहीं जानता है तो फिर वो किसी को भी नहीं जान पाता और आत्मा को नहीं जानने के कारण संसार के दुखों को सहन करता रहता है जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा और जब तक सम्यक दर्शन नहीं तो फिर ज्ञान और चारित्र सम्यक पनी को प्राप्त नहीं हो सकते और सम्यक चारित्र की प्राप्ति भी नहीं और जब तक सम्यक चारित्र नहीं तो फिर मोक्ष भी नहीं होगा इसलिए यदि हम सच्चा सुख शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला अभ्यास और पहला प्रयास हमें अपने आप के बारे में सोचना अपनी आत्मा का चिंतन करना कितनी अच्छी लाइन है निज आत्म तत्व का मनन करूं चिंतवन करूं निज चेतन का दो श्रद्धा ज्ञान चरित्र श्रेष्ठ सच्चा पथ मोक्ष निकेतन का पंच परमेश्वरी भगवान की पूजन की जयमाला में ये पंक्तियां हम पढ़ते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं यही भावना भाते हैं भगवान मैं आत्म तत्व को प्राप्त करूं यही हमारा प्रयास और कोशिश होनी चाहिए आइए आगे, आगे बढ़ते हैं उस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए जब मुनि अवस्था धारण की जाती है तो मुनि महाराज यदि अपने पास किंचित मात्र भी परिग्रह रखते हैं तो फिर वो सच्चे साधु की कोटी में नहीं आते यही बात आचार्य महाराज अगली गाथा में कह रहे हैं गाथा क्रमांक अठासी में पड़ी दो में पड़ी दो दो पड़ी लोही बूढ़ो खवणो लोही बूढ़ो खवणो काय किले से सुअन्नानी काय किले से सुअन्नानी बोलिए मक्खी सिलिम में पड़ी दो मुवदी जहाँ तह पर गहे पड़ी दो लोही किले से आइए शब्दार्थ देखते हैं मक्खी पड़ी दो जहा जहा मतलब जैसे जिस प्रकार सिलिमी अर्थात श्लेष्मा में श्लेष्मा का मतलब कफ जो नासिका के माध्यम से मल निकलता है उस कफ में गले से भी कफ होता है नाशिका के माध्यम से जब जुकाम आदि हो जाती है तो जो गंदगी निकलती है उसे हम कहते हैं श्लेषम उसमें पड़ी पड़िदो मक्खी गिरी हुई मक्खी जैसे उस श्लेषम में पड़ी हुई गिरी हुई या फसी हुई मक्खी मुवदी मरण को प्राप्त हो जाती है उस मक्खी को वो मल अत्यधिक प्रिय होता है उसमें वो लोभवश गिर जाती है बाद में पंख उसी में फड़फड़ाती रहती है पंख डूब जाते हैं गीले हो जाते हैं वो उड़ नहीं पाती और मरण को प्राप्त हो जाती है तह मतलब उसी प्रकार उस मक्खी के समान ही परिग्रहे पड़ी दो परिग्रह में पड़ा हुआ परिग्रह से युक्त परिग्रह को प्राप्त करने की परिग्रह को ग्रहण करने की आकांक्षा रखने वाला लोही मतलब लोभी लोभ है उसको मेरे पास परिग्रह संचित हो मूढ़ो मतलब मूर्ख और आगे कह रहे हैं अन्नाणी अर्थात अज्ञानी व्यक्ति ऐसा वह अज्ञानी है मूर्ख है जो लोभ से युक्त होकर के परिग्रह में पड़ा हुआ है परिग्रह की आकांक्षा रखता है कौन खवड़ों अर्थात क्षपक साधु जो मुनि होकर के भी उस परिग्रह को अपने पास में रखता है परिग्रह का संचय करता है वह लोभी मूर्ख अज्ञानी साधु क्या होता है काय किले से सुय क्लेश के कारण से शरीर को क्लेशित करके मुवधि अर्थात मरण को प्राप्त हो जाता है कहने का तात्पर्य है जो साधु होकर के भी और परिग्रह को प्राप्त करने की इच्छा करता है परिग्रह को इकट्ठा करने का भाव रखता है वह लोभी साधु मूर्ख है अज्ञानी है उसके उस साधुपने का कोई महत्व नहीं है वह उस दिगंबर वेश को धारण करके भी आत्मकल्याण नहीं कर पाया बाह्य धन धान्य आदि परिग्रह में ही उसकी दृष्टि है तो फिर साधु किस बात का आचार्य महाराज यहाँ उस साधु को मक्खी के समान कह रहे हैं जैसे वो मक्खी उस मल के लोभ में अपने प्राण गवा देती है उसी प्रकार वह साधु जो लोभी साधु है जो परिग्रह को इकट्ठा करना चाहता है परिग्रह से युक्त है वह लोभी साधु भी मूर्ख और अज्ञानी ही है हमें ऐसा साधु नहीं बनना और अगर ऐसे साधु हो तो उनसे बचना चाहिए भैया जी यदि किन्हीं साधु के पास परिग्रह है तो हम क्या करें यदि किन्हीं साधु के पास परिग्रह है तो बहुत स्पष्ट वो साधु साधु ही नहीं हैं क्योंकि साधु कौन होते हैं मुनि महाराज कौन होते हैं आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज ने लिखा है विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते इस श्लोक को बहुत अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए दिगंबर साधु की परिभाषा क्या है जो पंचेंद्रीय विषयों की आशा से रहित होते हैं निरारंभो परिग्रह है जो आरंभ से रहित हैं और परिग्रह से रहित हैं और मात्र ज्ञान ध्यान तप में लीन हैं वास्तव में वही सच्चे साधु और सच्चे गुरु का स्वरूप है अगर किसी साधु के पास कोड़ी है तो वो कोड़ी का नहीं और किसी गृहस्थ के पास कोड़ी नहीं तो वो कोड़ी का नहीं कहने का तात्पर्य गृहस्थ है तो परिग्रह होना स्वाभाविक सी बात है लेकिन अगर साधु है तो परिग्रह से रहित ही सच्चे साधु कहे जाते हैं आचार्य भगवान में भी बहुत स्पष्ट व्याख्या की है जहां एक और उन्होंने निर्ग्रंथ दिगंबर साधु को त्रैलोक पूज्य बताया वही दूसरी ओर ये भी कहा जो उस निर्ग्रंथ दिगंबर वेश को धारण करके यदि अपने पास में किंचित मात्र भी परिग्रह रखते हैं थोड़ा सा भी परिग्रह रखते हैं अपने अपना किसी विशेष क्षेत्र विशेष को बनवाते हैं अपने नाम से स्पष्ट करवाते हैं या धन संपत्ति वैभव रखते हैं बैंक बैलेंस रखते हैं मोबाइल अथवा पंखा कूलर ऐसी का उपयोग करते हैं लैपटॉप आदि रखते हैं तो ऐसे साधु सच्चे साधु की कोटी में नहीं आते हैं हमें क्या करना चाहिए हम वहाँ से दूरी बनाएं जो सच्चे साधु हैं उनके चरणों में पहुँच करके अपनी साधना करें अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करें भैया जी पी जी और कमंडल को परिग्रह क्यों नहीं माना है सबसे पहले तो परिग्रह की परिभाषा समझे मूर्छा परिग्रह है, ममत्व परिणाम का नाम परिग्रह है अर्थात जिन वस्तुओं से हमें अत्यधिक राग है ये मेरी है ये वस्तु मेरा है इस प्रकार का जो परिणाम है उसका नाम है परिग्रह है। और जहाँ जो वस्तु उनके आत्मकल्याण में निमित्त हो वो परिग्रह की कोटि में नहीं आती और न मात्र केवल पिच्छी कमंडलु अपितु शास्त्र भी परिग्रह की कोटि में नहीं आते क्योंकि शास्त्र माँ जिनवाणी ज्ञान का उपकरण है पिच्छी संयम का उपकरण है और कमंडलु शुद्धि का उपकरण है यदि पिछी नहीं रखेंगे तो जीवों की हिंसा से कैसे बचेंगे जीवों के ऊपर दया कैसे करेंगे जीव हिंसा से बचने का प्रमुख मुख्य साधन है पिछी और जब शुद्धि के लिए जाते हैं तो शुद्ध जल अपने पास में होना आवश्यक है जो मुनि होते हैं वो गृहस्थ से याचना नहीं करते इसलिए कमंडलू अपने पास में रखते हैं और निरंतर ज्ञानाभ्यास करने के लिए वो माँ जिनवाणी को पढ़ते हैं शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं और उसके साथ में जो उसके हैं, अगर वो कोई कॉपी पेन रख रहे हों या कोई पेंसिल आदि हो या किन्हीं साधु महाराज की दृष्टि में कुछ कमजोरी आ गई और वो चश्मा रख रहे हों तो ये सब उपकरण परिग्रह नहीं कहे जाते क्योंकि इन उपकरणों से उनको मजबूरी में वो इसको रख रहे हैं उनके प्रति उनको कोई बहुत मोह नहीं कोई राग नहीं पूज्य गुरुदेव बहुत स्पष्ट कहते हैं साधु के पास वो चीज़ नहीं होनी चाहिए जिस पर किसी गृहस्थ की नज़र हो जो गृहस्थ उसे देख करके उसके मन में आ जाए मैं इसे ग्रहण कर लूँ ऐसी चीजें जो उनकी साधना में निमित्त हैं जो ज्ञानाभ्यास में निमित्त है ये सब उनकी परिग्रह की कोटि में नहीं आते हैं तो फिर परिग्रह से रहित होकर के मुनि बनकर क्या करना चाहिए ज्ञान का निरंतर अभ्यास करना चाहिए जिससे ध्यान की सिद्धि होती है और उसी से कर्मों का नाश होता है देखिए अगली गाथाणास विहीनो भाष विहीनो सपरम तम जान दे णं तस् ण होयुः तावणकं बोलिए खवेणहु मोखम् खवे बोलियेणभासविहीनो सपरं तच्चं न दे किमपि आइए शब्दार्थ समझते हैं राण भाषण भास अर्थात ज्ञानाभ्यास ज्ञान का अभ्यास निरंतर ज्ञान की साधना स्वाध्याय उससे जो विहीन है उससे जो रहित है ऐसा वह जीव सपर तम किमपि न हो जान दे सपरतत्वम अर्थात स्व और पर तत्व को स्वतत्व अर्थात आत्मतत्व और पर तत्व अर्थात शरीर आदि जितने भी पर तत्व हैं अजीव तत्व हैं उन सब को न जान दे अर्थात नहीं जानता है किम्पि अर्थात कुछ भी थोड़ा सा भी ऐसा व्यक्ति जिसका ज्ञानाभ्यास नहीं है स्वाध्याय नहीं है वो स्व और पर दोनों तत्वों को नहीं जान पाता ऐसी स्थिति में तस् मतलब उसके उस जीव के उस अज्ञानी व्यक्ति के हूँ मतलब निश्चित रूप से निश्चय से झाणम न हो ध्यान नहीं होता है फिर वो चाहे मैं आत्मा का ध्यान कर लूँ फिर वो चाहे मैं किसी वस्तु तत्व का ध्यान कर लूँ परमात्मा का ध्यान कर लूं, वो ध्यान नहीं हो पाएगा साथ में ताव कम ऋण खवे और जब तक ज्ञानाभ्यास नहीं होगा तब तक कममम अर्थात कर्मों का भी ऋण खवे नाश नहीं होता है क्योंकि ध्यान नहीं है कर्मों का नाश किससे होता है ध्यान के माध्यम से होता है और जब ध्यान नहीं तो कर्मों का नाश नहीं होता और जब कर्मों का नाश नहीं तो नहु मोक्षम मोक्ष भी नहीं होता है मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती तो मोक्ष तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए आचार्य महाराज कह रहे हैं इस गाथा में हमें ज्ञानाभ्यास करना चाहिए हमें शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए हमें माँ जिनवाणी का पठन पाठन करना चाहिए जिससे हम स्वतत्व और परतत्व को जान सकें मैं कौन हूँ मेरा क्या स्वरूप और स्वभाव है हम इसका ज्ञान कर सकें जिन पदार्थों में मैं प्रीति करता हूँ स्नेह करता हूँ वे सब पर पदार्थ मेरे नहीं हैं मुझे उन्हें छोड़ना है इन सब का ज्ञान हमें शास्त्र स्वाध्याय से ज्ञानाभ्यास से होता है तभी जाकर के ध्यान और ध्यान के बाद में कर्मों का नाश होकर के मोक्ष होता है इसलिए हमें ज्ञानाभ्यास करना चाहिए भैया जी ज्ञान और ध्यान दोनों भिन्न भिन्न हैं तो इनका परस्पर संबंध कैसे बनाया जाए ध्यान की परिभाषा क्या है एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम एक वस्तु पर अपने चिंतवन को रोक देना किसी एक वस्तु तत्व का चिंतवन करना उसका नाम है ध्यान और वो कब हो पाएगा जब हम ज्ञान का अभ्यास करेंगे जब हम शास्त्र स्वाध्याय करेंगे हम ध्यान करने बैठे आंख बंद किए किसका चिंतवन करोगे अगर हमें बारह भावनाओं के बारे में नहीं आता है सात तत्वों के बारे में हमें नहीं पता छह द्रव्य हम नहीं जानते आत्मा का स्वरूप नहीं जानते आत्मा कैसी है उस आत्म स्वरूप वाली जो गाथाएं हैं वो अगर हमें स्मरण में नहीं हैं तो फिर ध्यान कैसे कर पाएंगे दोनों का संबंध निश्चित रूप से है पहले हम ज्ञान का अभ्यास करें ताकि जब हम ध्यान करें तब उस ज्ञान के माध्यम से माँ जिनवाणी के माध्यम से उन गाथाओं को उन श्लोकों को चिंतवन में लाएं और आत्म तत्व तक पहुँचे, यही उस ध्यान की सिद्धि कहलाती है तो आज की कक्षा में हमने क्या समझा सबसे पहली बात तो कर्म क्षय में जो मुख्य निमित्त है वो दिगंबर वेश है साधु होना है रत्नत्रय को जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे तो मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं होगा लेकिन उस साधु वेश को धारण करके यदि कोई परिग्रह अपने पास में रखते हैं आचार्यों ने तो लिखा तिलतुष मात्र भी परिग्रह रखते हैं तो वो साधु निगोद का पात्र होता है हमें कभी भी साधु अवस्था प्राप्त करने के बाद किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं रखना और जिन साधुओं के पास में परिग्रह हैं वो सच्चे साधु की कोटि में नहीं आते हम सच्चे साधुओं के चरणों में रह के अपने चारित्र को शुद्ध करें और जैसा कि इस अंतिम गाथा में बताया कि ज्ञानाभ्यास के माध्यम से हम ध्यान की सिद्धि तक पहुंच सकते हैं इसलिए अपने मन को लगाने के लिए अपने षट कर्मों का पालन करते हुए निरंतर थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय भी करते रहें ताकि हमारा मन हमारी भावना बनी रहे और उस ध्यान को प्राप्त करके हम कर्मों का नाश करें और मोक्ष परम पद को प्राप्त करें इसी मंगल में भावना के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय जय जिनेन्द्र इस कार्यक्रम के पुण्यर्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा श्रीमान नंदकिशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया प्रमोद नीना जैन सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधु अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधु अक्षत जैन पौत्र आदविक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार फर्म ए आर एल इंफ्राटेक लिमिटेड अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर श्रीमती पुष्पा देवी मुशरफ धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री भागचंद जी मुशरफ पुत्र एवं पुत्र श्री अनु श्रीमती अमिता मुशरफ पौत्र एवं पौत्र श्री अंकेश श्रीमती इति जैन पौत्री पयांशी जैन प्रपोत्र अव्यान जैन एवं समस्त मुशरफ परिवार देवनगर जयपुर राजस्थान स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन जी पुत्र एवं पुत्र श्री निखिल जैन जी श्रीमती शालिनी जैन जी पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन शर्ण...